हमें एक एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मिला और एक मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मिला। सो मैक्सिमम डेप्थ क्यों चाहिए वो हमें पता चल चुका है कि टू अवॉइड द कंप्रेशन फेल्योर। अभी हम लोग सेक्शंस के बारे में देखेंगे कि बेस्ड ऑन दैट एक्चुअल एंड मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हम लोग आरसीसी सेक्शन को तीन कैटेगोरी में डिवाइड करते हैं, तीन कैटेगोरी में डिवाइड करते हैं। पहला वाला जो कैटेगोरी है वो है तुम्हारा बैलेंस सेक्शन, बैलेंस सेक्शन। तो बैलेंस सेक्शन किसको बोलेंगे? बैलेंस सेक्शन मतलब एक ऐसा आरसीसी सेक्शन है जिसमें स्टील और कंक्रीट एक साथ फेल्योर स्ट्रेन पे पहुंचेगा। मतलब स्ट्रे कंक्रीट उसका फेल्योर स्ट्रेन है 0.003 पे पहुंचेगा और स्टील उसका फेल्योर स्ट्रेन 0.87 FY/S प्लस 0.002 पे एक साथ पहुंचेगा। तो उस काइंड ऑफ आरसीसी सेक्शन को हम लोग बोलते हैं बैलेंस सेक्शन। तो बैलेंस सेक्शन का अगर डिफिनेशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू LSM, LSM में हम लोग फेल्योर मानते हैं जब वो फेल्योर स्ट्रेन पे पहुंचता है, स्ट्रेन के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है। ऑन द अदर हैंड इसी को बैलेंस सेक्शन को अगर हम लोग WSM में डिफाइन करेंगे तो स्ट्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग डिफाइन करना होगा। तो हम लोग LSM कर रहे हैं तो LSM के कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब स्ट्रेन के कॉरेस्पॉन्डिंग इसको डिफाइन करते हैं। चलो क्या लिख सकते हैं बैलेंस सेक्शन का डिफिनेशन कि बैलेंस सेक्शन इज डिफाइंड एज द बैलेंस सेक्शन is defined as the reinforced concrete cement section or RCC section क्या उसमें क्या हो रहा है in which concrete और steel दोनों अपना yield strength पे पहुंच रहा है और failure strength पे पहुंच रहा है cement होना चाहिए। okay so in which the tensile strain in which steel and concrete reaches its failure strain simultaneously. Its failure strain. So concrete के लिए failure strain कितना होता है 0.0035. okay और steel के लिए कितना होता है 0.87 FY/S plus 0.02. Yes. Yes. So balance reinforced concrete section में इसी section को बोलेंगे जिसमें steel और तुम्हारा जो concrete है दोनों एक साथ failure पे पहुंचेगा। So balance section के लिए मेरा जो condition होना चाहिए वो XU by D for a section should be equals to XU max by D. मतलब ये जो कंडीशन है कि दोनों एक साथ कब पहुंचेगा, दोनों एक साथ कब पहुंचेगा, इस चीज को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि XU by D should be equals to XU max by D और हम लोग लिख सकते हैं XU equals to XU max for the balance section। अभी जब हम लोग अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे तब देखेंगे कि अगर तुम्हारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तुम्हारा लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से कम हो जाए तब भी हम लोग बैलेंस सेक्शन बोल सकते हैं। तो उसको बाद में जब अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस करेंगे तब समझेंगे। अभी तो बैलेंस सेक्शन क्या है कि दोनों एक साथ पहुंचेगा, उसके लिए कंडीशन क्या है XU शुड बी इक्वल्स टू XU मैक्स। तो अगर मान लो कि कोई एक आरसीसी सेक्शन दिया हुआ है, ओके से कोई एक आरसीसी सेक्शन दिया हुआ है उसमें बोला है कि इसे M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज करो, यहाँ पे जो स्टील है एरिया ऑफ स्टील भी बोल दिया गया है, ओके ना तुम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये सेक्शन बैलेंस सेक्शन है कि नहीं। तो तुम लोगों को क्या करना होगा, पहले CU इक्वल्स टू TU करके तुम्हारा XU का वैल्यू निकालना होगा। अभी यहाँ पे जो स्टील दिया हुआ है इसे मान लो कि यहाँ पे तुम्हारा Fe415 का स्टील दिया हुआ है तो Fe415 के लिए XU max by D का भी वैल्यू मिल जाएगा। अभी चेक करो कि XU का वैल्यू XU max का वैल्यू क्या अगर बराबर हो गया देन द सेक्शन इज द बैलेंस सेक्शन। ओके नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है बैलेंस सेक्शन में क्या हो रहा है कि कंक्रीट और स्टील दोनों एक साथ अपना फेलियर स्ट्रेन पे पहुंच रहे हैं। मतलब कंक्रीट अपना फेलियर स्ट्रेन 0.0035 और स्टील अपना यील्ड स्ट्रेन 0.87 FY/S प्लस 0.002 इन दो क्राइटेरिया में पहुंच रहा है। फर्स्ट तो दूसरा सेक्शन इसको लिख लो पहले सर, क्लास सर वो क्या लिखे हैं सर स्ट्रेन के बाद simultaneously एक साथ SIMULTANEOUSLY AN ANE
सर क्रिटिकल सेक्शन इसी को कहते हैं क्या? क्या क्रिटिकल सेक्शन भी इसी को कहते हैं क्या? बैलेंस सेक्शन को ही? बैलेंस सेक्शन को ही क्रिटिकल सेक्शन किया जाता है, माना जाता है। उस पढ़ेंगे जब डिजाइन पढ़ेंगे वो पूरा चीज क्लियर होता जाएगा। अभी बैलेंस सेक्शन समझ में आया और कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे वो भी समझ में आया कि ये तुम्हें CU equals to TU करके एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना होगा। अभी अभी सीखे कैसे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे। ए वाला फॉर्मूला है मेरे पास और मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस देखो कौन सा ग्रेड का स्केल दिया हुआ है उसी हिसाब से तुम्हें मिल जाएगा। तो तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो व्हाटएवर द सेक्शन इज बैलेंस सेक्शन और नॉट। अभी दूसरा सेक्शन में आते हैं क्विकली। सर वो वाला स्लाइड दिखाइए ना फिर से। क्लास है सर, क्लास है 10-20 से सर। ओके अंडर इनपुट सेक्शन कर लो पहले। अंडर इनपुट सेक्शन तो किस सेक्शन को अंडर इनपुट सेक्शन बोलोगे? कि जहां पे तुम्हारा स्टील पहले उसका फेलियर स्ट्रेंथ पे पहुंच रहा है बिफोर कॉन्क्रीट रीचेस, मतलब स्टील पहले अपना फेलियर स्ट्रेंथ पे पहुंचेगा। तो इसका डेफिनेशन अगर क्या लिखेंगे कि द अंडर इनपुट सेक्शन इज डिफाइंड एज द आरसीसी सेक्शन In which क्या हो रहा है? स्टील पहले पहुंच रहा है। स्टील रीचेस इट्स ईल पॉइंट फास्ट और फेलियर स्ट्रेन फास्ट। रीचेस इट्स ईल स्ट्रेन और द फेलियर स्ट्रेन बिफोर concrete reaches its failure strain। मतलब स्टील मेरा पहले पहुंच रहा है। तो इस कंडीशन को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? XU less than XU max बड़ा होगा। यस XU less than XU max। और हम लोग क्या लिख सकते हैं इस कंडीशन के लिए? XU by D less than XU max by T। XU max by T। अगर भूल जाओ कि ओवर एनफोर्स अंडर एनफोर्स के लिए कम होगा कि ज्यादा होगा वो पिन वाला एग्जांपल को लो तुरंत समझ में आएगा कि ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। ओके सो अंडर एनफोर्स सेक्शन भी समझ लिए। नाउ और एक सेक्शन मिलता है हमें तीन नंबर कंडीशन के लिए, दैट इज द ओवर एनफोर्स सेक्शन। ओवर एनफोर्स सेक्शन ओवर एनफोर्स सेक्शन में क्या होगा कि it is the RCC section yes defined as the RCC section concrete reaches the RCC section in which concrete reaches its failure strain before steel reaches its yield strain or the failure strain। तो इस कंडीशन के लिए ओवर एनफोर्स के लिए क्या होगा कि तुम्हारा XU का वैल्यू ग्रेटर देन XU मैक्स बन जाएगा। अभी अभी पहले वाले क्या समझ लो। सो XU by D का वैल्यू भी XU max by D का वैल्यू से ऊपर हो जाएगा। तो पहले हम लोग देखे थे कि अगर मेरा XU का वैल्यू XU max से ज्यादा हो गया तो कॉन्क्रीट में जो स्ट्रेन है उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, स्टील में कम हो जाएगा। मतलब स्टील जब तक अपना यील्ड स्ट्रेंथ पे पहुंचेगा कंक्रीट पहुंच चुका होगा। दैट मींस ओवर रेनफोर्स सेक्शन कंक्रीट पहले फिल करेगा और हमें ओवर रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन को अवॉइड करना है कंप्रेशन फेलियर को रोकने के लिए। तो हम लोग हमेशा बैलेंस सेक्शन को लेकर डिजाइन करेंगे और उसको अंडर रेनफोर्स बना देंगे तो डक्टाइल सेक्शन होता है कौन सा? अंडर रेनफोर्स सेक्शन आर द मोस्ट डक्टाइल सेक्शन। डक्टाइल सेक्शन कौन होता है? अंडर रेनफोर्स सेक्शन। ओके अप टू दिस राइट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे कि ये जो सारा सेक्शंस है अंडर रेनफोर्स स्लाइड दिखाइए ना ओवर रेनफोर्स और बैलेंस सेक्शन के लिए जो भी
हम लोगों का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला जाएगा, वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अभी कैसे निकाले। तो आज एक तक रहने दो तो।